जय हिंद। एक बार फिर से एचपी टेट के आर्ट्स के पेपर की आंसर की को हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। अब हम सेक्शन फोर्थ सोशल स्टडी की आंसर की को डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन 91 से लेके 150 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। जल्दी से उनको एक बार हम कवर अप करेंगे। ये आज पूरे हिमाचल में 13 जुलाई 2024 को एचपी टेट आर्ट्स का पेपर कंडक्ट करवाया गया। उसकी आंसर की के दो सेक्शन ऑलरेडी अपलोड करवा दिए गए हैं, जिसमें जीके एंड साइकोलॉजी के बोथ सेक्शन आपके लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं। सो जल्दी से एक बार सोशल स्टडी को हम कवर अप करते हैं। सीरीज ए को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले 91 क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो ऐसे टोटल 3 राज्य हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, आपको डायरेक्शन बतानी थी, पश्चिम से पूर्व आएगा, वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शन डी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तानसेन जो गायक थे, जो संगीतकार थे, उनका मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो उनका मकबरा जो है वो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये नारा दिया गया था हिटलर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हिस्ट्री का काफी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है? तो ये आपका है रूस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, रशिया। नेक्स्ट है, ये कौन तय करता है कि विधेयक है या फिर नहीं है? यानी कि कौन ये डिसाइड करेगा वेदर बिल इज नॉट अ मनी बिल और इट इज अ मनी बिल? तो ये डिसाइड किया जाता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, जो कि एट प्रेजेंट टाइम के अभी नए लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, ओम बिड़ला जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बीटो शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है? तो लेटिन लैंग्वेज से इसको जो है वो ड्राइव किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन ये क्वेश्चन रहेगा, तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था? तो तख्त ये ताउस पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह था उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पे पानीपत कि जब लड़ाई हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्ट कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, भाग 3 जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो किस देश की हेल्प से या फिर उसकी कोलाबरेशन के साथ बनाया गया था? तो ब्रिटेन के साथ इसको मिक्सअप करके इसको जो है वो स्थापित किया गया था, ब्रिटेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो कहाँ पे है? सॉरी, किस नदी पे है? किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106 सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में स्थित है, उसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। और हिमाचल के जो है वो नीरथ में भी जो है वो एक मंदिर है जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, उसे भी सूर्य मंदिर ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा चलाया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस देश में चलाया गया है? तो ये कहाँ पे चलाया गया है? ये चलाया गया है इराक में, इराक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुल 15 सदस्य इसमें जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 109 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी धर्मपाल के द्वारा, धर्मपाल। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पे है? आपने काफ़ी बार मूवीज में देखा होगा, या आपने हो सकता है अगर साउथ एरिया में गए हो विजिट भी किया हो, सुना है मंदिर आपने, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश में है तिरुपति बालाजी मंदिर। नेक्स्ट है, कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता नहीं है? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो, ये सभी जो हैं वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर हैं, लेकिन रोनाल्ड रीगन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ये जो है वो इस आंदोलन के नेता नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी? तो टोटल भारत की जो रियासतें थी वो 5 रियासतें थी। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश एशियन का सदस्य नहीं है? तो एशियन का सदस्य जो नहीं है वो है चाइना। चाइना ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर जो है ये सभी एशियन के सदस्य। इंडिया जो है वो भी एशियन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पे है? तो ये जो है वो मध्य प्रदेश में है। 200 रुपए के नोट के पीछे जो है वो इसका चित्र जो है वो दिया गया है, तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो बनी थी? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। जल्दी से एक बार कमेंट आप जरूर कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके जो है वो सही रहते हैं। जनरल के लिए आप सभी जानते हैं 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, अदर कैटेगरीज के लिए 82 क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए। तो आपका जो पेपर था वो ज़्यादा हार्ड लेवल का भी नहीं था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, एक एवरेज लेवल के पेपर की हम यहाँ पे बात करेंगे। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? 1896 में जो है इसे पहली बार गाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया? 2006 में। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर, 2006 में से लागू किया गया। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो थे ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा 101 और रंजीत दक्कन जो है वो किसकी किस्म है? तो ये जो है वो मक्का की किस्म है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागन क्या है? तो देखिए साइंस का क्वेश्चन नहीं है, जीके की क्वेश्चन है। तो पेंटागन जो है वो ये किसी का एक हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट में, बट किसका? डिफेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से। इजी क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की है? आगरा शहर की स्थापना जो है वो किसने की है? तो सिकंदर लोधी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सिकंदर लोधी ने इसकी स्थापना की। शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? तो शिवाजी महाराज के गुरु जी का नाम था गुरु रामदास जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि जो है वो पंजाबी भाषा की लिपि है, इसकी शुरुआत जो है वो किसने की है? तो गुरु अंगद देव जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से जो है वो भारत में लिया गया था? तो यूएसएसआर, सोवियत संघ के द्वारा इसे भारत में लाया गया था। और अब पंचवर्षीय योजना की जगह जो है वो नीति आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान के मूल संस्करण में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 21 साल थी। अब इसे 21 से हटा के जो है वो 18 साल कर दिया है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? तो उसका नाम क्या था? लॉर्ड बेलेस्ली। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है, ये खुद को जो है वो बंगाल टाइगर के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम क्या था? लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फ्रीडम फ्रॉम फियर जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंग सान सू की के द्वारा जो, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और ना ही वहां पे कोई उपराष्ट्रपति हो तो राष्ट्रपति का जो कार्यवाहक होगा वो कौन होगा? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके पास जो है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में अखबारी कागज की पहली मिल जो है वो कहाँ पे लगाई गई थी? तो पहली मिल जो है ये मध्य प्रदेश में लगाई गई थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो लोटस एंड ब्रेड या फिर कमल एंड रोटी जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज ऑफ द मराठा पावर नामक बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है महादेव गोविंद
रानाडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी है? तो जो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ हो सकती है वो कितनी है? 34। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में हल्का सा यहाँ पे एक डाउट यहाँ पे रहेगा, 33-34 के अराउंड आता है, लेकिन मेजोरिटी में 34 को ही हम यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना ये आपका टेट नॉन मेडिकल के पेपर में भी पूछा गया था, प्रीवियस क्वेश्चन है, जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले भाफ इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो भाफ इंजन का आविष्कार किया था न्यू कॉमन के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो जी डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1992 में ये सम्मेलन जो है वो हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वाइस रॉय कौन थे? तो भारत के जो वाइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ क्या है? तो देखिए, चौथ क्या है, शिवाजी या फिर मराठा साम्राज्य के द्वारा जब राज्यों पर कर लगाया जाता था, तो ये ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता? तो 11 अप्रैल को ये मनाया जाता है, 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदर हुड डे जो है वो मनाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो मुगल सम्राटों ने अपना स्मरण स्वयं लिखा था? तो उनके जो नाम थे जिनके द्वारा अपनी ऑन मेमोरीज को जो है वो लिखा गया था, तो बाबर एंड जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला जो है वो कब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो घोषित की गई? तो 1864 में से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनराइज उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी सेल है उसको सनराइज उद्योग के नाम से, उसको सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, गुप्तकाल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार्स कहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेल्जियम में यूरोपियन संघ का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो उनका जो नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किसके साथ जुड़ा है? तो टीकाकरण के साथ जुड़ा है। मिशन इंद्रधनुष जो है वो वैक्सीनेशन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। So, ये सभी हमारे जो है वो सोशल स्टडी का हमारा सेक्शन रहेगा, जिसमें हमने टोटल 60 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया। आई होप आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया हो, और जल्दी से एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन जो है वो आपके ऑल ओवर जो है वो बने हैं। अभी तक हमने 3 सेक्शंस को जो है वो कवर अप कर लिया है। इंग्लिश का सेक्शन की आंसर की आपको जल्दी ही थोड़ी देर में जो है वो आपको मिल जाएगी, एंड कंप्लीट डिस्कशन जो है वो इसकी आपको कल जो है वो देखने को मिल जाएगी कि क्या क्या इसके जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो आपको आंसर वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एक बार इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड उसके साथ साथ अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं जुड़ूंगा, तब तक के लिए अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।